हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल तबरेज मलिक। उम्मीद करता सब अच्छे से होंगे। तो इस वक्त हूँ डेनमार्क में, और डेनमार्क से एक शहर है, क्या शहर का नाम भाई ये इसका? हिल्सन। हिल्सन पे है, और पीछे है हमारे मुबीन भाई का अकोमोडेशन, और इसके पीछे हो व्यू, देखो कितना अच्छा जगह है। और मुबीन भाई से बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन एक चीज़ मैंने डेनमार्क के उतरते एक चीज़ बहुत अच्छा चीज़ मैंने देखा है मुबीन भाई, यहाँ के जो लोग हैं बड़े सपोर्टर हैं। हाँ, बहुत बहुत। इवन एयरपोर्ट पर मैंने देखा, और मैंने बस स्टॉप पे देखा, होटल में भी देखा। पाकिस्तानी भाई थे हमारे, एक जो कैशियर थे उनको भी देखा। इवन मैंने रेस्टोरेंट में भी देखा, काफ़ी हेल्पफुल लोग हैं। और एक चीज़, यहाँ पे शोर आपको नहीं सुन रहा होगा, फिर भी मैंने माइक लगा दिया ताकि आपको वॉइस में कुछ प्रॉब्लम ना आए। तो मुबीन भाई, आपकी इंटरव्यू हुई थी हमारे साथ जी लाइव। जी 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 अच्छा, एक चीज़ मैं सबको यहाँ पे बता दूँ कि मुबीन भाई और हम इस वक्त डेनमार्क में, मुबीन भाई से स्पेशली मैंने इनका टाइम मांगा, तो इन्होंने देखो, एक तो हर इंसान का एक वक्त होता है मुबीन हाँ भाई, जी, मैं हाँ जी, समझता हूँ आपके सही बात वक्त है। भी है कि आपकी ड्यूटी है, सब कुछ करना होता है। अब मुबीन भाई ने एक बोला कि मलिक भाई स्पेशल एक रिक्वेस्ट है कि आप संडे के दिन आइए। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, रात का इस वक्त 8:30 हो रहा है, हाँ, 8:30। और अभी तक पूरा उजाला है। मुबीन भाई यहाँ पे आ चुके हैं, मुबीन भाई को आए हुए यहाँ पे कैसे 20-25 दिन हो गया है। मुबीन भाई वेल सेटल्ड है, और मुबीन भाई अपना वक्त दिया, और मेरा भी मन किया मुबीन भाई से मिलूँ, क्योंकि एकमात्र ऐसे इंसान अभी तक के कैरियर में, जब से मैं ये सारा काम कर रहा हूँ, डेनमार्क का पहला बंदा, और ऊपर से 5 साल का वर्क परमिट। तो मुबीन भाई, आपका इंटरव्यू तो हो गया था, हाँ जी, आपने पूरा डिटेल बता दिया हाँ था, जी, हाँ जी। फिर भी आने के बाद या उसके कुछ स्टोरीज और डिटेल में, कैसे बंदे कर रहे हैं या आपने कैसे हासिल किया, क्योंकि सारे स्टोरी सबको पता है कि कितना रिफ्यूजल हुआ, आने के बाद क्या क्या हुआ आपके साथ? तो ब्रज भाई, जैसे मैं यहाँ पे उतरा ना, तो पहले तो मेरा एम्प्लॉयर खुद लेने आया था मुझे, वेरी खुद गुड, लेने आया था मुझे, अकोमोडेशन में छोड़ा। तो जब मुझे रूम में मैं गया, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे को ब्लैंकेट एयरपोर्ट या, लेने गया था हाँ, आपको, एयरपोर्ट लेने आया था। जबकि मैं दोस्तों बता देता हूँ, यहाँ से एयरपोर्ट 100 किलोमीटर दूर है। हाँ जी, और मुझे लेके आया। फिर मुझे उसने पूछा कि यहाँ पे दिख तुझे कुछ कमी लग रही है तो मैं दिलाता हूँ। तो मैंने बोला, सर मुझे 2 पिलो की आदत है। उसने क्विकली फोन मारा, एक एम्प्लॉयर दूसरे मेरे को ब्लैंकेट और एक पिलो लेके आया। इतना, मतलब ये लोग इतने अच्छे हैं ना तबरेज भाई, के हेल्पफुल, हेल्पफुल। और अभी तुमने देखा भी, हम बात कर रहे हाँ थे कि एम्प्लॉयर की वाइफ मेरे को खाना ला के देती है जी, हर सैटरडे संडे। आज भी कितना, हफ्ते भर का खाना ला के दी उसने। और तुमको मिलाया भी कि बेशक कैसे लोग हैं वो लोग, मैं मतलब मिला उनको ऐसा नहीं है कि मैं उनका नौकर हूँ, बेशक, उन लोग को ऐसा है कि मैं उनका फैमिली मेंबर हूँ, उनका मेंबर भाई हूँ, हूँ, सही बात है, मेरी बहन है, ऐसा। इतने बेशक, अच्छे हैं लोग, इतने अच्छे हैं, कोई भी चीज में वो लोग अपने इसको गैर नहीं करते। नहीं करते हैं, जैसे कि यार ये तो मेरा वर्कर है, ऐसा हाँ, कुछ भी कुछ नहीं है, नहीं है, कुछ नहीं है। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग, मिलनसार। इवन यहाँ की पब्लिक, जो यहाँ के लोग हैं, हाँ तुमको कोई भी देखेगा ना, तो गुड मॉर्निंग करेगा, हाउ आर यू पूछेगा, कुछ ना कुछ बात करके जाएगा, ऐसे इग्नोर नहीं करेगा। इग्नोर नहीं करेगा, तुम जा रहे हो, वो कोई बाजू से जा रहा है तो हाथ तो दिखाएगा। अगर तुम किसी को साइड दिए, हाँ तो वो गाड़ी में से तुमको हाई करेगा। अच्छा, इतने अच्छे लोग हैं। अभी तुम वो समझो, सामने वो से गाड़ी आ रही है, तुम हाँ इधर से मैं क्रॉस कर रहा हूँ, हाँ और मैंने उसको रास्ता दिया, हाँ तो वो मुझे हाथ करके ही जाएगा, अच्छा, थैंक यू करेगा। हाँ हालांकि हाँ क्यों करेगा, उसको तो जाना है, लेकिन वो जाना है, एक रिस्पेक्ट देते हैं। रिस्पेक्ट देते हैं। इतने अच्छे लोग हैं यहाँ तो पे। आने के बाद जो आपके अकोमोडेशन में गए, उसके बाद क्या हुआ? मतलब मेडिकल होता है कि नहीं नहीं, नहीं मेडिकल वेडिकल कोई चीज़ नहीं होती है। ना मैं इंडिया आया, में ना यहाँ। नहीं यहाँ कोई मेडिकल तो नहीं है। दोस्तों, फिर से एक बता देता हूँ कि डेनमार्क के नाम पे अगर कोई आपको मेडिकल में फंसाने की कोशिश करेगा, तो क्लियर हो गया कि मूवी में कोई कोई मेडिकल, मेडिकल नहीं है, कोई पुलिस क्लियरेंस रिपोर्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब मैं यहाँ पे उतरा, दूसरे ही सुबह मेरे को, मैं जब कंपनी में गया, मेरे को ऑलरेडी गाड़ी दे दिया था उसने कि कल से सुबह ड्यूटी, ये गाड़ी में तो आना है। नेक्स्ट डे से ड्यूटी, हाँ, नहीं, सुबह ही ड्यूटी थी मेरी। ठीक है, तो पहले तो पूछा, तू कंफर्टेबल है, आ सकते हैं? बोला हाँ, मुझे करना है ड्यूटी। हाँ मैं सुबह ड्यूटी चला गया, हाँ तो वहाँ जाते ही मेरे को उसने मेरा परमिट दे दिया, मेरा जो कार्ड है वो मेरे को हाथ में कार्ड दे दिया। रेडी था हाथ में, हाँ, उसके पास था। मैं आने से पहले उसको शायद मिला था, या आने के बाद पता वो कार्ड भी नहीं। पास है आपके नहीं, अभी तो रूम पे हो। रूम पे, ठीक है, वो कार्ड का मैं सैंपल आपको दिखा, मतलब तो तो कार्ड रेडी था 5 साल हाँ वाला, हाँ हाँ मैं आया सुबह ड्यूटी गया। हाँ उसने मुझे, मैं 8 बजे ड्यूटी स्टार्ट हुई, 8:30 9 बजे मेरे को आया, मेरे को कार्ड दिया, बोला नाउ यू कैन वर्क लीगली, लीगली, और मेरे को कार्ड दे दिया उसने। और कार्ड कोई दिया, प्रोसेस नहीं, कोई प्रोसेस नहीं। फिर मैंने उसको पूछा, सर एनी प्रोसेस, वी हैव मेडिकल और समथिंग? बोलते हैं नो, फिनिश, यू आपको आर नाउ मालूम वेलकम। है मुबीन भाई, मैं आपको बता देता हूँ कि माल्टा में लैंड होने के बाद
आदमी को कम से कम 40 से 45, 50 से 60 दिन जाता है जो ड्यूटी ज्वाइन करने में, क्योंकि आपका मेडिकल होता है, वहाँ पे हाउसिंग होता है, ब्लू कार्ड होता है, व्हाइट कार्ड बनता है, बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। इवन दुबई में आपको मालूम, कुवैत में भी आपको मालूम ऐसे होता, हाँ, होता है बराबर। लेकिन ये जो आप बात बता रहे हो है बहुत हैरानी वाली बात है गोविंद भाई। नहीं नहीं कि कुछ भी नहीं होता है यहाँ पे, कुछ भी नहीं होता है। जैसे मैं यहाँ पे उतरा, मेरे को दूसरे दिन उसने कार्ड दिया, मैंने सामने से पूछा मेडिकल वेडिकल, तो बोलता है कुछ भी नहीं। मैं बोला मेरा बैंक कार्ड का, बोलता है ऑलरेडी सब अप्लाई हो चुका है। तो मैंने पूछा मैं बीमार पड़ूंगा तो हॉस्पिटल जाना है, तो बोला वो कार्ड भी तेरे को पोस्ट से घर पे मिल जाए। तो हेल्थ कार्ड आ गया? वो नहीं, अभी आया नहीं है, लेकिन वो आएगा। अच्छा, ये व्यू देख लीजिए पीछे आप लोग, समंदर है ये डेनमार्क का। तो मतलब ना मेडिकल हुआ, ना आपको कि गवर्नमेंट ऑफिस में जाना पड़ा, ना बायोमेट्रिक देना पड़ा। वो जो अपना यूएफएस में बायोमेट्रिक होता है बस उसी पे अपना बैंक कार्ड, उसी पे अपना मेडिकल का जो कुछ भी है। बैंक कार्ड का मतलब बैंक कार्ड खुद ही खुल जाएगा? हाँ, वो डायरेक्ट, क्योंकि अब फिंगरप्रिंट हो गया ना मेरे यूएफएस में, वो डेटा इनके पास है। तो अकाउंट के लिए आपको बैंक नहीं, कुछ जाने की जरूरत नहीं, मेरे पोस्ट से आ जाएगा, पोस्ट से आ जाएगा, मेरे को अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है। मेरे भाइयों, ये बड़ा अचंभा वाला न्यूज मुबीन भाई ने बताया कि जो बायोमेट्रिक आपने वीएफएस में दिया था उसी के बेस में इनका हेल्थ कार्ड भी बन गया, वर्क परमिट भी बन गया, इनका बैंक अकाउंट भी बन जाएगा, मतलब सारी। और क्या रहा था ट्रांसफर सिस्टम यहाँ? अच्छा, दूसरी बात, जब इंडियन एयरपोर्ट, इधर डेनमार्क एयरपोर्ट पे उतरा, वहाँ पे ना मेरा एक थंब भी हुआ, ना दो थंब हुए, ना कुछ हुआ, कुछ नहीं। उसने मेरा पासपोर्ट देगा, यू हैव अ लॉन्ग स्टे, यू कैन गो, बस बस बस, बस। ना यहाँ पे फिर कुछ हुआ नहीं, ना एग्रीमेंट बनाने का जो टेंशन है, ना किसी चीज का एक टेंशन है, मतलब कुछ नहीं करना है आपको, कुछ नहीं करना है, बस जाके खाली ड्यूटी ज्वाइन कर लेना है। और ड्यूटी भी नेक्स्ट डे से चालू? नेक्स्ट डे से चालू। और इवन मैं आया था 5 तारीख को, तो उसने मुझे जब ड्यूटी चालू हुई थी, तो उसके बाद शाम को ड्यूटी खत्म होने के बाद मेरे को बोला तेरे साथ मीटिंग करना है। तो मैं मीटिंग के लिए उसके साथ जब बैठा, तो फिर उसने मुझे बताया कि तेरी सैलरी फाइडिंग की काटूंगा, फुल सैलरी तेरे को दे दूंगा। मतलब आप जो लेके 4 तारीख को आए थे? हाँ, 5 तारीख को ड्यूटी ज्वाइन किया था, तो 1 से लेके 31 तक पूरी सैलरी, पूरी सैलरी, फुल सैलरी तेरे को मिलेगी यार। हैट्स ऑफ ऐसे लोगों को, ऐसे देश को यार। पहले ही दिन उसने मतलब मेरा काम हो रहा देख के वो ये हो गया, तब से मेरे को मतलब उसको ट्रस्ट आ गया कि यहाँ ये बंदा कर सकता है। तो काम में कोई टेंशन नहीं है, कुछ तो नहीं। अभी बात बताइए मुबीन भाई, आप आने के बाद तो मार्केट थोड़ा आपको मालूम पड़ेगा, कि आपको देखो 17-18 साल का एक्सपीरियंस है। हाँ, अब आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से तो आपकी सैलरी इतनी ज्यादा है, तो जो लोग फ्रेशर तो नहीं लेते होंगे लोग, तो मिनिमम कितने साल की किसी भी लाइन में कुछ आइडिया मिला? इनका जो रिक्वायरमेंट है मिनिमम 2 ईयर्स, मिनिमम 2 ईयर्स, क्योंकि ये लोग भी जानते हैं कि अपनी गाड़ियों में और यहाँ की गाड़ियों में काम में बहुत फर्क है, बहुत फर्क ये लोग खुद जानते हैं। इनका कहना क्या है कि मैकेनिक बोलेगा तो उसको बेसिक मालूम होना चाहिए, बस बस। बाकी यहाँ पे तुम जब भी कोई काम करते हो तो ये लोग एक्सप्लेन करते हैं, तुमको बताते कि ये चीज को ऐसा कर, ये चीज को ऐसा कर। हाँ, और इवन तुमको ट्रांसलेट करके भी बताते, मतलब यहाँ के जो दानिश लैंग्वेज है ना यहाँ पे। हाँ जी, तो उसको ट्रांसलेट करके आपको बताएंगे, गूगल ट्रांसलेट करके बताएंगे। हाँ, गूगल ट्रांसलेट करके बताएंगे तुमसे भी, अगर तुमको इंग्लिश में भी कुछ थोड़ा बहुत टफ हो रहा है। हाँ, 10 बार एक वर्ड जो तुमको रिपीट कर रहा है वो तो हाँ, समझ जाता है कि इसको इतना ये समझ में, तो बोलेगा तुझे जो लैंग्वेज आती है उसमें ट्रांसलेट कर। इसके अलावा मूवी में कुछ एक्स्ट्रा टिप्स देना चाहेंगे हमारे लोगों को, व्यूअर्स को? देखो, तभी मेन क्या मालूम है एक्स्ट्रा टिप में, डेनमार्क के लिए लोग आना चाहते हैं तो दिल खोल के आ जाए। इस कंट्री के जैसे मुझे तो नहीं लगता भाई कि यूरोप में कोई रिस्पेक्टेड और इतनी अच्छी कंट्री रहेगी। बहुत, क्योंकि जो आप प्रोसेस बता रहे हो कि ना मेरा मेडिकल हुआ, ना बायोमेट्रिक हुआ, ना को हाउसिंग, नहीं मेरा सिर्फ और सिर्फ यूएफएस में हुआ था जो बायोमेट्रिक, वही फोटो वीजा पे भी आया था, वही फोटो यहाँ के कार्ड में आया, जो मैंने यूएफएस में कपड़ा पहना था वही वही मेरे फोटो पे भी है। चलो, मतलब तो वो अच्छी बात है। और आपको मैं बता दूं कि मुबीन भाई वही हैं जिनको मुझे खुद नहीं मालूम था कि 5 साल का वर्क परमिट मिलता है, 5 साल का इनको वर्क परमिट मिला है। और आई थिंक आप फैमिली एलिजिबल हो गए? हाँ, फैमिली एलिजिबल हूँ। 3 महीने के बाद फैमिली लेकर आ सकते हो? वो तो अभी भी मैं एम्प्लॉयर को बोलूँगा तो अभी भी मेरे को प्रोसेस करवा के दे सकता है। और ये लोग खुद जानते हैं कि अगर एक इंसान की फैमिली उसके साथ नहीं रहेगी तो उसका माइंड डिस्टर्ब रहता है। तो ये लोग खुद बोलते हैं कि तुम्हारे साथ तुम्हारी फैमिली होना जरूरी है, ये खुद बोलते हैं। बट ये लोग 3 महीने का क्यों टाइम बोल रहे हैं, क्योंकि अगर 3 महीने में अगर मैं गलत हूँ या मैं खराब इंसान हूँ या क्या हूँ तो आदमी 2 महीने में मालूम पड़ जाता है, ये रीजन है। चलिए, तो इसके वजह से लोग 2-3 महीने का टाइम। गाँव इनका एक छोटा सा शहर, क्यूट सा शहर है, पोर्ट है पीछे। अब मुबीन भाई के साथ काफ़ी अच्छा टाइम गुजारा मैंने,
और इन्होंने अपना वक्त दिया, इन्होंने पूरा डिटेल बताया। और मोबिन भाई, इसी तरह से जब भी आपके पास कोई फैमिली को रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ जाए या कोई जॉब को रिलेटेड जरूर इन्फॉर्मेशन जरूर आए, दूंगा तो मैं। मैं चाहूँगा कि आप यूट्यूब को ज्वाइन कीजिए साथ में और वहाँ पे लोगों को थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दीजिएगा, जरूर जरूर ताकि उन लोग को, जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर या बांग्लादेश के या नेपाल के अंदर, वो लोग भी कुछ अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए हो जाए। क्योंकि आपका स्ट्रगल बहुत ज़्यादा रहा, आपने खुद बताया कि 25 से 30 25 घंटे के आसपास का आपका रिफ्यूज़ल रिफ्यूजल हुआ हुआ था। और फिर आप यहाँ पे पहुँचे हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे, आपका टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो तबरेज भाई एक जी बात बता रहा हूँ कि हाँ अगर ये कंट्री में किसी को आने का मौका मिलता है तो हाँ बिल्कुल ना छोड़े, नहीं क्योंकि छोड़े ना, ये लोग कदर करते हैं और तुमको बिल्कुल नहीं झुकाएंगे। नहीं अगर तुमसे कोई काम करने के टाइम पे सामान टूटता भी है, फूटता भी है, इवन तुमको लगता है कि ये टूल्स तुम्हारे को नहीं है, तुमको ये टूल चाहिए, वो सही क्विकली है। क्विकली तुमको नया टूल्स ला के देगा। अच्छा और वो अभी देखो एग्जाम्पल, एक ऑयल बदली करने के लिए उसको तो 100 करोन ही मिलेंगे, लेकिन वो पाना है स्पैनर जो है वो है समझो 10,000 करोन का, वो लाएगा, अच्छा वो लाएगा, क्योंकि वो ये नहीं चाहता कि वो जब मैं काम करूँ तो वो डैमेज रहे या वो फ्यूचर में वो कस्टमर खराब हो 100 करोन की वजह से। वो 10 करोन का सामान ला के देता है, वो स्पैनर 10 की इसका ला के देता है। अच्छा दूसरी बात, यहाँ पे जो काम करने का सिस्टम है ना वो इतना अच्छा है ना, जब भाई हथौड़ी की जरूरत ही नहीं पड़ती, अच्छा सब हर मशीन चीज खोलने का स्पैनर इनके पास है, और मशीन है। एक स्पैनर नहीं हाँ वो 10 10 15 15 स्पैनर उसके अलग पास अलग पड़े टाइप रहेंगे। के, अगर एक पुलर है वो उसके पास 10 ऑलरेडी स्पेयर में रहते, अच्छा तो ये एक टूटा तो दूसरा है, दूसरा टूटा तो तीसरा है, टेंशन नहीं किसी चीज का, किसी चीज की काम टेंशन नहीं नहीं है। रुकेगा। हाँ इवन टूल बॉक्स तुमको 2 मिलेंगे, अच्छा 2 टूल बॉक्स, मेरे को भी 2 मिले, मेरे साथ वालों को भी 2 2 मिले, फुल पेटियां पूरा पेटी। पेटी, क्यों, वो एक स्पेयर में है, अगर इसमें कुछ कम भरा मैं उससे लूंगा तो 2 पेटी। और ऐसा भी नहीं कि लिखा पड़ी, वो कुछ ट्रस्ट नहीं करते पूरा दे देते दे हाथ दिया में, डायरेक्ट, पूरा हाथ में दे दिया, फुल ट्रस्ट करते हैं मतलब लोग। देखो कितने अच्छे हैं डेनमार्क के डानिश लोग। और इस कहते हैं ना, कोई भी देश खूबसूरत तब बनता है ना जब वहाँ का इंसान अच्छा होता है। जब वहाँ का इंसान अच्छा होगा, देखो कितना खूबसूरत वादियाँ हैं पीछे, पूरा गांव जैसे, मतलब ना इतना क्यूट, इतना अच्छा लग रहा है ना। और मुबीन भाई मिलने आया था और काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिला, और भी वीडियो लेके आऊँगा। तो मैं फिर से बता दूँ कि आपको अगर किसी को भी इस जॉब से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो +9199888335844 मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या वीज़ा से मिलकर जीमेल पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या आप मुझे माल्टा के रिलेटेड, पुर्तगाल के लिए बात कर सकते हैं। कोई भी वर्ल्ड वाइड वीज़ा सर्विसेज मैं देता हूँ। और मुबीन भाई फ्यूचर में अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे, उनको शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को शेयर करना, तब भी मेरे दिल से सब कुछ होता था। थैंक यू वेरी मच।